Hello friends, my name is Aslam Sheikh and today I'm going to introduce you the new education policy in the most simplest and easiest way from the school education point of view. So let's begin. Hello to all. Welcome to my YouTube channel and thanks for regularly watching our videos. My name is Aslam Sheikh and I'm the founder and CEO of Alif. Today we are going to discuss another very informative topic. हमारा जो आज का सिस्टम वो 10+2 का है जो हम सब जानते हैं. अब गवर्नमेंट ने इसको नया इंट्रोड्यूस किया है 5+3+3+4 विच इज इक्वलेंट टू 15 ईयर्स. नाउ कन्फ्यूजन था कि क्या ये 10+2 फिर 3 साल की डिग्री तो ये 15 ईयर्स इससे मैच कर रहा है. आंसर है बिल्कुल नहीं. ये 3 एक्स्ट्रा साल जो ऐड हुए हैं ये पूरे ब्लॉक में वो प्री स्कूल्स के हैं जो आज तक करिकुलम में डिज़ाइन में नहीं आते थे. तो जो प्री स्कूल के 3 साल है वो प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ये मिला के एक फर्स्ट ब्लॉक बनता है जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जा रहा है जहाँ पे लर्निंग जो होगी वो कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले बेस्ड होगी. इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आ रहा है वो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड का जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जा रहा है. यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी प्लस इंटरेक्शन एंड क्लासरूम तो यानी क्लासरूम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. देन इसके आगे का जो ब्लॉक है वो है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का जिसे मिडिल स्टेज कहा जा रहा है. अब ये मिडिल स्टेज इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो आपकी लर्निंग है वो मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल बेस्ड होगी. ये एक्सपीरियंशियल क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा. और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इसके बाद जो लास्ट ब्लॉक है 4 ईयर्स का दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज 9th, 10th, 11th, and 12th स्टैंडर्ड. इस यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. तो इस तरीके से ये 5+3+3 = 15 ईयर्स का ब्लॉक बनता है. इसके कुछ खास बातें हैं जैसे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. गवर्नमेंट इज प्रपोज दैट स्टूडेंट कैन कैरी 3 लैंग्वेजेस. वन इज मदर टंग, वन इज लोकल लैंग्वेज एंड थर्ड वन कुड बी द स्टेज चॉइस और हिज चॉइस. दूसरी चीज है कोडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 6th स्टैंडर्ड में. ऐसा मानना है कि कोडिंग से स्टूडेंट्स की एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है एंड आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट टू मेक इट. एंड इवन यू सीइंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एआई बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, इट मेक्स सेंस टू हैव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दूसरी चीज़ है वोकेशनल ट्रेनिंग, जो मैंने पहले आपसे बात की थी. वोकेशनल ट्रेनिंग को 6th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इसका मतलब आपको प्रैक्टिकली कुछ कोर्स करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक स्टडीज, जैसे कारपेंटरी का कोर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीने में आपकी हेल्प करेगा. और जो आपके फादर का आज तक का स्टेटमेंट था कि ग्रेजुएट होने के बाद एक बल्ब चेंज नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी. इसमें क्या होगा कि जब आप 9th, 10th, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में होंगे तो उस वक्त अगर आप साइंस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मुझे फोटोग्राफी भी करनी है या मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, यू कैन वेरी वेल टेक दैट कोर्स एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम और उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ेगा एंड दैट वुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिजल्ट. नेक्स्ट इज एग्जाम्स. सो एग्जाम्स जो है वो 3rd, 5th, and 8th स्टैंडर्ड में होंगे एंड ऑफकोर्स बोर्ड के जो एग्जाम्स है 10th, 12th के वो ऐसे ही रहेंगे. लेकिन 3rd, 5th, and 8th स्टैंडर्ड्स के अलावा जो एग्जाम्स बाकी क्लासेस में होंगे वो एनुअल असेसमेंट बेस्ड होंगे. बोर्ड के एग्जाम को आसान बनाया गया है और उसको होलिस्टिक अप्रोच दिया गया है. इसका मतलब आपके मार्क्स सिर्फ आपके एग्जाम्स पे डिपेंड नहीं होंगे, आपके इंटरेक्शन पे, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, आपकी ये मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आप लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड होंगे. और जो रिजल्ट है दोस्तों, सबसे अच्छी बात, हमारे मुंह पे जैसे दे दिया जाता था कि यार ये पास है, फेल है, डिस्टिंक्शन है, 60% है, यहाँ पे अब जो रिजल्ट आएंगे आपके प्रोफाइल बनेंगे. जैसे आपके लिंक्डइन या फेसबुक प्रोफाइल होता है वैसे एक कंप्लीट खूबसूरत प्रोफाइल बनेगा जिसमें कहा जाएगा कि आप फला फला चीज़ में अच्छे हो, आपका ये लैंग्वेज स्किल अच्छा है, आपका प्रोफाइल इस तरीके से अच्छा है, आपके मार्क्स इतने हैं. सो इट इज़ मोर लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट योर मार्क्स. एंड लास्ट क्वेश्चन आता है ये सब कब इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो 2023 में कुछ चीज़ें, 2030 तक बहुत सारी चीज़ें एंड 2034 तक इसमें की सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने तक का प्रोग्राम है. दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे नए वीडियोज़ की इंटीमेशन आती रहे. आज तक के लिए इतना ही. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आदाब.